हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एंटीबॉडीज़ का एंटीजन के साथ रिएक्शन किस तरह होता है और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखा था। तो हमने देखा था कि वाई शेप जो होता है वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेवी चेन मौजूद थे, लाइट चेन्स मौजूद थे। ओके, आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में। ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली जो आप की होती हैं, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, उनका लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और वो हमारे लिए क्या कर रही होती हैं, मीन्स व्हाट आर द फंक्शंस। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारे बॉडी में मेजर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं? 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन की वो बनी होती हैं, इसलिए उनको हम लोग IG से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो किसी भी एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें IG टर्म का यूज़ करना होता है, दैट इज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो हमारे बॉडी में 5 एंटीबॉडीज़ हैं जिनको याद रखने के लिए इट इज़ GAMD। ठीक है, GAMD, ये शॉर्टली आप याद रख सकते हैं। GAMD एक ऐसा शॉर्ट तरीका जिससे आपकी पांचों एंटीबॉडीज़ का नाम आपको याद रहेगा। तो ये जो पांचों एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या हैं, यहाँ पे देखिए IgG सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद IgA, IgM, IgE और IgD, यानी कि 5 एंटीबॉडीज़ हमारी जो हो गई वो हो गई GAMED। ठीक है, अब ये GAMED किस तरह से रखा गया है, क्या है इसका मकसद कि हमने जी ही रखा, तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। जी इज़ रिलेटेड विथ गामा, ए इज़ अल्फ़ा, एम इज़ म्यू, ई इज़ एप्सिलॉन एंड डी इज़ डेल्टा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फिज़िक्स में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो उसी के बेसिस पर हमने इनको GAMED इनके लिए यूज़ किया। ठीक है, कि दीज आर नोन एज GAMED, यानी कि इस तरह से इनका एब्रिविएशन है। तो ये तो बेसिक है, लेकिन अब हम आते हैं एग्जैक्टली कि कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं, उनका लोकेशन हमारे ब्लड में, उनका कंसंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल IgG की मात्रा हमारे ब्लड में कितनी है, वो कंसंट्रेशन भी आप जान ले, ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी नॉलेज जो है वो एंटीबॉडीज़ को लेकर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ चार्ट रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड देयर सेरम कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद देयर लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि कितने तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, उनका पर लीटर ब्लड में कितना परसेंटेज है और साथ साथ वो कहाँ प्रेजेंट हैं और वो हमारे लिए क्या करती हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ये GAMED करके और उसी अरेंजमेंट में मैंने इस सीक्वेंस को रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट IgG, जी इज़ फॉर गामा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यानी कि इसका जो परसेंटेज है वो 80% हमारे प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब है कि ये प्लेसेंटा के थ्रू एक फीटस, एक बच्चा अगर अपनी माँ के गर्भ के अंदर है उस समय जब उसका इम्यून सिस्टम खुद का बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है, बहुत माइन्यूट डेवलप होता है, उस समय माँ के द्वारा जो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक आती है और उसकी हिफाजत करती है किसी भी इंफेक्शन से या किसी भी तरह के एंटीजन से, तो दैट इज जी। ठीक है, वो एंटीबॉडी कौन सी हो गई, वो हो गई IgG। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये एग्जैक्टली हमारे सेरम में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में बिल्कुल फ्रीली ये मूव करती रहती है और ये जो होता है इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और पैसिव इम्यूनिटी हमारे फीटस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं IgA, इसका कंसंट्रेशन 1.424 ग्राम पर लीटर ऑफ आवर नॉर्मल सेरम। तो हमारे सेरम के अकॉर्डिंग इसकी ये कंसंट्रेशन हो गई, प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर्स, मिल्क एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो होते हैं
और भी कई ऐसे सिक्रीशंस जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली याद रखना है कि सलाइवा, टीयर्स, मिल्क जो होती है उसमें जो ये प्रेजेंट है IgA। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब एक शिशु अपने माँ के अंदर है उस समय उसकी जो हिफाजत कर रहा है एंटीबॉडी, दैट इज़ IgG। जब उस बेबी का बर्थ हुआ और वो मिल्क फीडिंग करता है, माँ के द्वारा उसकी नरिशमेंट हो रही है, तो माँ के द्वारा जो मिल्क से उस बच्चे की नरिशमेंट हो रही है, उसका लैक्टेशन हो रहा है, माँ के मिल्क में प्रेजेंट है एंटीबॉडी ए, और मिल्क के द्वारा वो एंटीबॉडी उस शिशु तक जाता है और उस बच्चे की हिफाजत हो रही होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, ये जो होता है ये हमारे म्यूकोसल सरफेस को बचाता है। सिर्फ म्यूकोसल सरफेस को ही नहीं, बल्कि ये जो होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ को किसी भी पैथोजेन के अटैक से बचाते हैं। म्यूकोसल सरफेस तो ठीक है, मेम्ब्रेनस सरफेस, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू को भी डैमेज होने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग IgM। द कंसंट्रेशन इज 0.5 to 2 gram per liter। ठीक है, और ये जो होता है ये बी सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। बी सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होकर ये हमारे लिए एंटीजन रिसेप्टर का काम करता है, यानी कि ये ऐसी एंटीबॉडी है जो किसी भी एंटीजन से तुरंत सबसे पहले भिड़ जाती है। आपको याद रखना है जो एक्शन लेने के लिए सबसे पहले आ जाए, जो एंटीबॉडी एंटीजन से सबसे पहले टकरा जाती है वो होती है हमारी एम एंटीबॉडी, और वो तुरंत उस एंटीजन के साथ क्या होती है, टकराती है, उसको रिसीव करती है और उस बीटा सेल्स के मेम्ब्रेन पर ही ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं IgE। ई जो होती है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये हमें सीवियर टाइप के एलर्जी और इन्फ्लेमेशन से सेव करती हैं। ठीक है, इनका जो लोकेशन है स्किन सेल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइनिंग, यानी कि बहुत ख़ास ख़ास जगह पर ये मौजूद हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। मास्ट सेल को ये एक्टिव करती हैं ताकि वहां से हमारे इन्फ्लेमेशन और हमारे एंटीजन के अगेंस्ट में जो भी हमारे एलर्जी हो रही है या इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में ये एक्शन इजीली ले सके। ठीक है, लास्ट है IgD, दैट इज डी इज फॉर डेल्टा, और ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ये बी सेल के सरफेस पे होते हैं, इनका काम होता है कि ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा और कर सके, और वो साथ साथ प्लाज्मा सेल को भी एक्टिव कर सके ताकि मोर नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बनाई जा सके। तो देखिए इंपॉर्टेंट इन बी सेल एक्टिवेशन, ये बी सेल्स को एक्टिव कर देती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप काम देख रहे हैं एंटीबॉडीज का, ये हमारे फेवर में हो रहा है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हमें एलर्जी से बचाया जा रहा है, एक छोटे फीटस को जब वो अपनी माँ के अंदर है उस समय उसको इम्यूनिटी दी जा रही है, द काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, क्या है, कैसे इसमें क्या फ़र्क है, तो वो हम लोग आगे की वीडियोज़ में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। अब जब एंटीबॉडीज़ के टाइप्स हमने पढ़े तो अब हमें ये जानना है कि एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ काम कर रही हैं, एंटीजन के खिलाफ। तो एंटीजन क्या हो सकता है, अगर एंटीजन की डेफिनेशन मांगी जाए तो हम एंटीजन को इंड्यूसर कह सकते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे एंटीबॉडी को इंड्यूस करता है, यानी कि एक्साइटेड करता है। अगर एंटीजन ना हो तो हमारी एंटीबॉडीज़ काम ही नहीं करेंगी। तो एंटीजन का अगर एक पॉजिटिव डेफिनेशन मैं डालूं आपको, ऐसे तो वो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी देखनी है इसकी तो देखिए कि एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को एक्साइटेड करते हैं, वो उनको एक्टिव करते हैं, वो आते हैं अटैक करने के लिए, तो हमारी बॉडी क्या होती है, एक्टिव होती है, नहीं तो हम सुस्त पड़े रहेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ही नहीं लेगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये है एक दुश्मन का पॉजिटिव डेफिनेशन, लेकिन रियल में एंटीजेंस जो होते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन के अगेंस्ट में काम कर रहा है। ठीक है, हमारी हिफाजत के अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर इनका टाइप्स देखा जाए, जैसे मैंने आपको एंटीबॉडी की टाइप्स पढ़ाई, तो अगर एंटीजन की टाइप्स के बारे में आपसे हल्का सा मैं चर्चा करूं, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड इट इन NCERT, बट स्टिल यू हैव टू नो कि एंटीजेंस का भी कोई रूप होता है। तो यस, बिल्कुल होता है, ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, इजिली है कंप्लीट एंटीजन, जो 100% एंटीजन है, सबसे ख़तरनाक दुश्मन, जो कि एंटीबॉडी से
को एक्साइटेड करने के लिए एकदम तैयार रहता है, किसी की ज़रूरत नहीं उसको, वो डायरेक्ट अटैक करने आता है। दूसरा है इनकम्प्लीट एंटीजन, यानी कि वो जिसको हम लोग पार्शियल एंटीजन कहते हैं, यानी कि ये अटैक करने से पहले अपने साथी को ढूंढता है, यानी कि ये अकेले अटैक करने नहीं आता है, इसको दो तीन मेंबर चाहिए। और जाहिर सी बात है इसके दो तीन मेंबर कौन बनते हैं, अदर प्रोटीन्स, कुछ दूसरी प्रोटीन्स होती हैं जो इसके साथ जुड़ जाती हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो इसके साथ जुड़कर इसकी ताकत को दुगना कर देते हैं, तो ही जाकर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अभी तक मैंने दो टाइप्स बताया, एक कंप्लीट एंटीजन हम किसको कहेंगे, जो किसी के बिना अकेले एंटीबॉडी से लड़ने के लिए चलाता है, यानी कि एंटीबॉडीज़ पर अटैक करता है, हमारे बॉडी पर अटैक करता है, ठीक है। दूसरा इनकम्प्लीट एंटीजन, जिसमें 80% तो पावर है बट 20% पावर उसके पास नहीं है, जो वो किसी दूसरे से मांगता है, उसके बाद वो आपके बॉडी पर आक्रमण करने आता है। तीसरा होता है सेल्फ एंटीजन, ये ऐसे एंटीजन हैं जो हमारे ही सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे सेल पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। सेल्फ एंटीजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, जैसे आपको RH एंटीजन के बारे में पढ़ाया गया था, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर एक होता है, तो वो क्या हो गया, हमारे ब्लड सेल का सेल्फ एंटीजन हो गया, जो हमारे ब्लड सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो तीन तरह के हो गए हमारे एंटीजन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे देती हूँ फटाक से, उसके बाद हम आएंगे हमारे अगले टॉपिक पर, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल में हमें पढ़ना था एंटीबॉडी, हमने पढ़ा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, एंटीजन के साथ रिएक्शन देखा, एंटीबॉडी की टाइप्स देखी। छोटी सी एक टॉपिक मैं आपको दे दूं एंटीजन और उसका टाइप्स, ताकि हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी हो जाएगी कंप्लीट एंड वी विल स्टार्ट विथ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सून, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटीजन जो होता है, एंटीजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ये आप इसको रोग कारक कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी बाहर का एजेंट, पैथोजेन या एंटीजन। एंटीजन खास कर इसलिए बोला गया क्योंकि ये एंटीबॉडी से डरते हैं, ठीक है, इनका जो मुकाबला है वो किसके साथ होता है, एंटीबॉडीज से होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन, जो हमारे जेनेटिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट में रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एंटीजन का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज़ अ मॉलिक्यूल दैट प्रोवोक्स अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। प्रोवोक करने का मतलब होता है किसी को, मतलब ज़बरदस्ती एक्साइटेड करना, उत्तेजित करना, प्रोवोक करना मतलब परेशान करना, ठीक है। तो ये जो हमारे एंटीजन हैं, ये हमारे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ठीक है, उनको मतलब एक्टिव करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिव करवाता है, ठीक है। ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये कम्प्लेक्स लिपोप्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स और भी कुछ एडिशनल प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि मेनली लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था कि इसकी तीन टाइप है, पहली है कंप्लीट, दूसरी है इनकम्प्लीट, तीसरी है सेल्फ एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन जो 100% कंप्लीट है और वो डायरेक्ट एंटीबॉडी को प्रोवोक कर देगा, यानी कि एक्साइटेड कर देगा, उसको देखकर हमारी जो एंटीबॉडी है, जो हमारी प्रतिरक्षी पदार्थ है, वो क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट या पार्शियल एंटीजन हम किसको कहते हैं, जिसमें अकेले एंटीबॉडी को एक्टिव करने की क्षमता नहीं है, तब तक जब तक वो कंबाइन ना हो जाए किसी दूसरी प्रोटीन के साथ, तभी वो आकर अटैक कर सकता है या हमारे एंटीबॉडी को एक्साइटेड कर सकता है, अकेले वो काम नहीं कर सकता। सेल्फ एंटीजन जो कि हमारे खुद के सेल पर प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल ऑफ ABO सिस्टम, ठीक है, हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप है उस पर जो RH एंटीजन प्रेजेंट होता है वो क्या है, हमारा सेल्फ एंटीजन होता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस आप देख रहे हैं, कैपेबल टू इंट्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन विथ एंटीबॉडी, यानी कि ये हमारे एंटीबॉडी के निर्माण को डायरेक्ट इंड्यूस कर देंगे, उसको स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि एंटीजन आपके अंदर घुसा तो एंटीबॉडी तो स्टार्ट हो जाएगा,
एक्टिव हो जाएगा उसके ऊपर, क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो उसी को हम कहते हैं जो डायरेक्ट स्टार्ट करवा दे एंटीबॉडी को, इंड्यूस कर दे वो कंप्लीट, और जो खुद अकेले ना करे विदाउट कॉम्बाइनिंग विद अदर प्रोटीन, जब तक ये किसी दूसरे प्रोटीन के साथ कॉम्बाइन नहीं होगा तब तक ये एक्टिव नहीं कर पाएगा पार्शियल। और इनका है कि ये खुद हमारे ही सेल पर प्रेजेंट होते हैं और हमारे ब्लड सेल के एंटीजन है ये जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एंटीजन एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ पर हम फिनिश कर रहे हैं हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी। छोटी सी एक टॉपिक बची दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका रिलेशन हमारे टी सेल से है, और इसमें हम कुछ अलग अलग तरह के सेल्स पढ़ेंगे, जैसे हेल्पर सेल हुआ, किलर सेल हुआ, है ना। कौन कौन सा सेल है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स हैं जो हमारे लिए लड़ेंगे, कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है। एंटीबॉडी की कहानी ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ थी, लेकिन ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, यहाँ पर सेल का काम बटा हुआ है, अलग अलग सेल का अलग अलग काम है कि कैसे वो हमें पैथोजन से बचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी सी टॉपिक, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो अगली टॉपिक अपनी क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? CMI, ठीक है। इट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डेवलप होती है, डेवलप बाय टी लिम्फोसाइट्स थाइमस, ठीक है। ये कौन डेवलप करता है हमारे बॉडी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? ये टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा क्या होती हैं? डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स को हम लोग किलर लिम्फोसाइट भी कहते हैं, किलर लिम्फोसाइट, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है दैट इज साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट। इसको हम लोग साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। साइटोटॉक्सिक का मतलब सेल का विषैलापन, ठीक है, यानी कि सेल में ही कोई ऐसी चीज़ है जो किसी भी एंटीजन को हम पर अटैक करने नहीं देगा, है ना। या फिर किलर लिम्फोसाइट, यानी कि ख़त्म कर देने वाला, किल कर देने वाला लिम्फोसाइट। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, जो प्रोसेसिंग है वो क्या होता है। सबसे पहले कोई भी पैथोजेन यानी कि रोग कारक इन्वेड्स आवर बॉडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सिस्टम शुरू कैसे होगा, कोई भी बाहर का पैथोजेन आपके बॉडी पर करेगा हमला, ठीक है। जैसे आपके बॉडी पर हमला होता है तो आपके शरीर का टी लिम्फोसाइट गेट्स एक्टिवेटेड, ये क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो टी लिम्फोसाइट है वो आक्रमण होते ही क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेंगे? वो अपना नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। टी सेल्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय माइटोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइटोसिस के मदद से ही हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने संख्या को बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। ये अपने सेल को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, एक सेल अगर अपनी कॉपीज बनाएगा तो उसको हम क्लोन कह सकते हैं। क्लोन हुआ वो क्योंकि सिमिलर सेल्स से अगर बहुत सारी कॉपीज हम बना रहे हैं तो दैट इज क्लोनल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्लोन ऑफ सेल्स फॉर्म्स, ठीक है। तो यहां तक के प्रोसेस को आप पहले समझिए क्या हो रहा है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि कोशिका के द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा, आपके शरीर की कोशिका आपकी कर रही है हिफाजत। तो इसमें ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ये कहां से डेवलप होगी? टी लिम्फोसाइट से, थाइमस से, ठीक है। उसके बाद ये पैथोजेन जैसे ही हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, और ना ही सिर्फ एक्टिव होते हैं बल्कि वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, और संख्या को बढ़ाने के लिए वो अपने नंबर को दुगुना करने के लिए, उससे ज़्यादा बनाने के लिए एक प्रोसेस की मदद लेते हैं, दैट इज़ माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस की मदद से हमारे टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होकर उनकी कई सारी कॉपी बन जाएगी, और कि सारी कॉपीज को हम क्या कह रहे हैं? क्लोन कह रहे हैं, ठीक है। अब एक जगह पे खूब सारा झुंड बन गया, ठीक है। अब इस झुंड में दो तरह के सेल्स निकलते हैं, एक
जो थाइमस को, जहाँ पर ये झुंड बना है, उस जगह को छोड़कर हमारे बॉडी में किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं हिफाजत के लिए, और कुछ ऐसे क्लोन होते हैं जो उसी जगह पर रह जाते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे टी लिम्फोसाइट्स अपना क्लोन बनाते हैं, ये क्लोन दो रूप लेते हैं, एक जो उस जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पर इनको बनाया गया है, और वो दूसरी रूप में दूसरे जगह पर पहुँच जाते हैं, उनका काम है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ ऐसे क्लोन होते हैं जो थाइमस के पास ही रह जाते हैं, वो वहाँ से कहीं और नहीं जाते, वो उसी जगह पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ सेल्स चले जाते हैं कहीं और कुछ सेल्स क्या होते हैं, रुक जाते हैं? काम के अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्लोन जो होता है ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल विच माइग्रेट्स फ्रॉम थाइमस टू अदर एरिया। ठीक है, बेसिक चीज़ समझिए कि जो क्लोन बना, उस क्लोन में से कुछ जो सेल्स हैं वो माइग्रेट हो गए, माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले गए, थाइमस को उन्होंने छोड़ दिया और वो कहीं दूसरी जगह चले गए। ठीक है, लेकिन दूसरा जो होगा, सम क्लोन्स रिमेन्स प्रेजेंट इन द थाइमस रीजन। ठीक है, अब कुछ जो क्लोन्स हैं वो कहाँ रह जाएंगे, थाइमस रीजन में ही रह जाएंगे, वो वहाँ से माइग्रेट नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सेल कौन सा है जो डिफरेंशिएट हुआ, जो भाग गया दूसरी जगह, और कौन सा सेल है जो वहीं पे रह गया। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं छोटा सा, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। दो सेल, एक किलर सेल, किलर टी सेल, और दूसरा हेल्पर टी सेल। ठीक है, ये दो ऐसे सेल्स होते हैं जो वहाँ से हट जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन जो सेल अपनी जगह पर रहकर ही काम करेगा, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, दैट इज मेमोरी सेल, मेमोरी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर और भी सेल्स बनती हैं, सप्रेसर सेल भी बनती है, तो मेमोरी सेल, और एक और आप लिख सकते हैं, दैट इज सप्रेसर। ठीक है, ये दोनों अपना जगह नहीं छोड़ती हैं, ये दोनों उसी जगह पर रहते हैं, वहीं पर रुके रहते हैं, जब ज़रूरत होती है तो वो अपना काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं, दैट इज किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल, ये दोनों थाइमस को छोड़ देते हैं, वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो थाइमस से डेवलप है, इसमें एक्शन तब शुरू होगा जब पैथोजेन हमारे ऊपर अटैक करेगा, और एक्शन शुरू करने के लिए टी लिम्फोसाइट अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करेगी, और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, दैट इज माइटोसिस, और उसके बाद वो क्लोन्स बनाते हैं। क्लोन्स दो तरह के होंगे, यानी कि कुछ जो थाइमस को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, उनमें से दो कौन है, किलर एंड हेल्पर, और दो जो थाइमस के पास रहकर ही काम करेंगे, दैट इज मेमोरी सेल्स एंड सप्रेसर सेल्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं काम, कि क्या काम है हमारे किलर सेल का, क्या काम है हमारे हेल्पर सेल का, और क्या काम है हमारे मेमोरी और सप्रेसर सेल्स का। Let's have the functions. Okay, now we are having the points related with types of our सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो हमने क्लोन्स बनाए वो अलग हो जाते हैं या वो वहीं पर रहते हैं, तो वो किस तरह से काम करते हैं। देखिए, नंबर वन, किलर टी सेल, इसका नाम ही किलर है, यानी कि इसकी खूबी है कि ये एंटीजन को डायरेक्ट किल कर सकते हैं। तो किल करने के लिए इनके पास जो चीज़ मौजूद होती है, दैट इज साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स।
ठीक है, यानी कि इनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, किसी भी एंटीजन को डायरेक्टली किल कर देते हैं। उस एंजाइम्स में से दो एंजाइम्स मैंने आपके लिए लिखा, नंबर वन इज परफोरिन, ठीक है। परफोरिन जो होते हैं ये परफोरेशन पैदा कर देते हैं, यानी कि एंटीजेंस के बॉडी में ये पोर्स बना देते हैं जिसकी मदद से एंटीजन के सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं और वो किल हो जाते हैं। दूसरी है ग्रैनिजाइम। देखिए ये जो एंजाइम होती है ये हमारे प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए ज़रूरी है, यानी कि एंटीजेंस आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, तो एंटीजन के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से तोड़ देने वाली होती है ये एंजाइम्स जो हमारे किलर टी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड विद द पॉइंट। इस पॉइंट से रिलेटेड परफोरिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि परफोरिन जो है वो हमारे बॉडी में 6th क्रोमोसोम्स पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जो परफोरिन एंजाइम है ये एंजाइम हमारे 6th क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पर टी सेल। ये जो हेल्पर टी सेल होते हैं दीज सेल्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजन इन एसोसिएशन विथ MHC। कहने का मतलब है इनके पास पावर होती है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की, यानी कि पहचानने की। ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके रिस्पॉन्ड में एंटीबॉडी फॉर्म करवा देते हैं, यानी कि जिस तरह का एंटीजन होता है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी यूज़ करनी है वो एंटीबॉडी बनाने का जिम्मेदारी हमारे हेल्पर टी सेल का होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है MHC। MHC मींस मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, यानी कि कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स चेक करना, यानी कि जितना पावरफुल एंटीजन है उतना ही पावरफुल एंटीबॉडी चाहिए होगा ताकि वो उसको किल कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी, यानी कि कंपैरिजन। तो हेल्पर टी सेल कंपैटिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। MHC यानी कि मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्या है ये देखते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एंटीजन, एंटीजन के लिए जो रिस्पॉन्स ले सकती है हमारे जो सेल्स रिस्पॉन्स लेते हैं उसी कंपैटिबिलिटी को हम मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि जितना पावर एंटीजन का है उतना ही पावरफुल एंटीबॉडी होना चाहिए। जितना स्ट्रांग आपका दुश्मन होता है उतना ही स्ट्रांग आपका वार होना चाहिए, है ना। तभी जाकर ये क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा और हम उससे फाइट कर पाएंगे। तो दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट इज मेमरी सेल। मेमरी का मतलब ही होता है याददाश्त, यानी कि याद रखना। तो ये बेचारा वहीं पर रुका रहता है। ये क्या करता है, अगर एक पैथोजेन आया उस वक्त हमारी बॉडी तैयार नहीं थी फाइट करने के लिए, चलिए तैयार हुई, एंटीबॉडी बनाया गया, हमने फाइट किया, दोबारा से अगर वही पैथोजेन अटैक करने आता है तो ये मेमोरी सेल उसको याद रखता है कि इस पैथोजेन के लिए हमने जो एंटीबॉडी कौन सी बनाई थी और उसी एंटीबॉडी से हम उस पैथोजेन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मेमोरी सेल की डेफिनेशन क्या है, रिस्पॉन्स रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से ये हरकत करता है इफ़ द सेम टाइप ऑफ पैथोजेन इंटर्स द बॉडी। अगर ये उसी तरह का पैथोजेन जो पहले आया था वो अगर हमारे बॉडी पर दोबारा से आक्रमण कर दे तो ये उसको याद रखता है कि इसके लिए हमने कौन सी एंटीबॉडी यूज़ की थी, ठीक है। नेक्स्ट है सप्रेसर सेल। देखिए सप्रेसर सेल का काम होता है, सप्रेसर का मतलब ही होता है मरम्मत करने वाली कोशिका। जाहिर सी बात है कि अगर आप फाइट कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, तो आपको भी चोट लगेगी, है ना, आपका भी कुछ जगह पे कोई पार्ट्स डैमेज होंगे। तो बस जब आपके इम्यून सिस्टम डैमेज होने लगते हैं ना तो ये इंटरफेयर करता है कि हम आते हैं मरम्मत करने के लिए, यानी कि दोबारा से आपके इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करता है, कोई भी डैमेज सेल को ये रिपेयर करता है। जैसे कैंसर, कैंसर के टाइम में जो सप्रेसर सेल्स होती हैं वही हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। क्या होता है कि सप्रेसर सेल जो होता है अगर वो डैमेज होगा तो हमारे सेल की जो ग्रोथ है वो अनकंडीशनल होने लगेगी, बहुत ज़्यादा होने लगेगी। सप्रेसर ही है जो डैमेज सेल को दोबारा से क्या करता है, मतलब नॉर्मल करता है, फिर से उसको सही से रेडी कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सप्रेसर सेल। तो इस तरह से हमने चार टाइप्स के सेल देखे जो हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की स्टडी को करते हैं पूरा। तो मैंने आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रॉपरली दे दिया है। अब आपका काम ये है कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़िए और अपने क्वेश्चंस को आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ अनदर न्यू वीडियोस विच विल बी मच एंड मच इंटरेस्टिंग एंड वी विल गो विथ नेक्स्ट सेशन सून। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे।